नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी SSSC आयोग पर आज धरना दिया गया था कई भर्तियों को लेकर के, जिसमें एक नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी करवाने को लेकर के धरना दिया गया। लोअर 2019 रिजल्ट को लेकर के धरना दिया गया था, और उसी क्रम में लोअर 2019 का रिजल्ट, जूनियर असिस्टेंट का परिणाम और साथ ही साथ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 भर्ती के परिणाम को लेकर के ये जानने का प्रयास किया गया कि कब तक इन सभी भर्तियों की रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं, साथ ही साथ AGTA का नया विज्ञापन कब तक आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको AGTA के संबंध में बता दें, AGTA के नए विज्ञापन की मांग लंबे समय से की जा रही है, और AGTA में प्लस इसी में गन्ना पर्यवेक्षक, ये दोनों पद इसमें शामिल है, और इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन की मांग की जा रही है। तो जो कुछ भी जानकारी सचिव या अध्यक्ष महोदय से जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार इसमें AGTA के 200 पद और बढ़ चुके हैं, और कुल मिलाकर के 3477 पदों पर इस नए भर्ती का विज्ञापन PET 2021 से ही जारी होगा। इतना आश्वस्त किया गया है कि PET 2021 से ही इस नए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। 3477 पदों पर इसमें 200 पद जो है AGTA के और बढ़ चुके हैं। विज्ञापन इसका अगस्त लास्ट तक या फिर सितंबर 10 सितंबर से पहले पहले तक इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है आप सभी को। तो जितने भी अभ्यर्थी AGTA केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे, तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा, और आज आप सभी का जो धरना है वो सफल धरना माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समय, यहाँ पर एक चीज़ तो कम से कम ये पता चल गया कि PET 2021 से ही आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, और विज्ञापन भी आपका इसी महीने आने की प्रबल चांस है। बहुत अगर आयोग ने डिले किया तो 10 सितंबर तक या उसके पहले पहले आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो जाती है सूचना AGTA कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक AGTA एंड केन सुपरवाइजर पाठ्यक्रम एवं विज्ञप्ति घोषित करें, आश्वासन नहीं तारीख चाहिए। ये भर्ती का विज्ञापन जो कृषि वाले, जो AG वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए होता है। इसके बाद आज की ही डेट में लोअर PCS 2019 भर्ती के परिणाम को घोषित करवाने के लिए भी धरना दिया गया था 5 अगस्त को, और उसी क्रम में यहाँ पे आप कुछ इमेज भी देख पा रहे होंगे। उसी क्रम में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार लोअर PCS 2019 का रिजल्ट सितंबर महीने में जारी होगा। इस महीने इसका परिणाम आने के चांस बहुत कम है, इसका रिजल्ट जो है सितंबर महीने में जारी होगा। और इसी के साथ जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट इस महीने भी जारी हो सकता है या फिर सितंबर में जा सकता है। JEE 2016 की भर्ती है, इसका रिजल्ट भी इसी महीने आने के चांस है। और इसके बाद फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती यानी ANM 9212 भर्ती के परिणाम को लेकर के भी जानने का प्रयास हुआ। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार ANM का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, और यहाँ पर हमने आपको जितने भी रिजल्ट यहाँ पर बताए हैं, चाहे लोअर PCS 2019, जूनियर असिस्टेंट या फिर ANM भर्ती का रिजल्ट, तो सभी रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर एक डेट जानने का प्रयास हुआ, लेकिन किसी भी रिजल्ट की कोई भी कंफर्म डेट नहीं बताई गई है आज। इसी वजह से कोई भी कंफर्म तारीख आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि देखिए अब इस सप्ताह में ANM का रिजल्ट नहीं आने वाला है, बहुत कम चांस है। 5 या 6 तारीख को हमने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आयोग के पास नए नए बहाने होते हैं रिजल्ट डिले करने का, कोई ना कोई कारण उनके पास होता है, जबकि ये रिजल्ट मुख्यमंत्री जी के 100 दिन की कार्य योजना में ही इस भर्ती को पूरी करना शामिल था, उसके बावजूद ये हाल है। 1 महीने से ज़्यादा के लगभग यहाँ पे ऑलरेडी जो है विलंब हो चुका है, और अभी तक कोई भी कन्फर्म डेट आयोग की तरफ से नहीं बताई जा रही कि हाँ इस तारीख से या इस तारीख के पहले पहले तक हम रिजल्ट दे देंगे। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो अभी तक की जो कुछ भी स्थिति है, बाकी अपने स्तर से हमने भी पता करने का प्रयास किया कि लगभग कब तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, तो लगभग जो है आप यहाँ पे मंडे को मान सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख में, इन्हीं 3 तिथियों में आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। आज आपका रिजल्ट आया नहीं, कल आपका रिजल्ट आने के चांस बहुत कम है, कल वैसे भी सैटरडे है, इसके बाद फिर संडे, तो मंडे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को, 11 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व भी है, और कल तो हमने जो ट्विटर कैंपेन किया था, हमने ज़्यादातर अपने ट्वीट्स में यही लिखा था कि सर
जितने भी ANM बहनें हैं उनको रक्षाबंधन का उपहार दे दीजिए आप, या आपके तरफ से उनके लिए उपहार होगा, उनकी मेहनत का परिणाम होगा, उनकी मेहनत का उपहार होगा। प्लस अगर आपने इतनी कृपा कर दी, अब कितना प्रभाव पड़ता है कितना, क्योंकि टैग तो हम लोगों ने किया है UP SSC आयोग को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, और पूरी तरह से मामला उनके संज्ञान में पहुँच जाता है। लेकिन आगे अब वे लोग कार्रवाई करें या न करें, उसका संज्ञान लें या न लें, ये पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर करता है। ट्विटर कैंपेन का या फिर धरना, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, मामला संज्ञान में तो पहुंच जाता है अधिकारियों तक, शासन तक, लेकिन आगे की जो कार्रवाई होती है वो उनके ऊपर निर्भर होता है कि कितना उसको कितना उसको गंभीरता से उस विषय को लेते हैं। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे, और आज जो धरना देना था ANM बहनों की तरफ से, वो धरना हो नहीं पाया बहुत अच्छे तरीके से। बाकी कुछ ना कुछ ANM बहनें जाती रहती हैं, UP SSC आयोग अपने स्तर से भी पता करने का भी प्रयास होता है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो कल रिजल्ट आ रहा है, कल मैं आपको कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसी वैसे भी कल अगर रिजल्ट आना होता तो आज चीज़ें पता चल जाती, तो कल आपका रिजल्ट वैसे भी नहीं आ पाना है। और अब जो कुछ भी उम्मीद बची है सोमवार से बची है, 8, 9, 10 तारीख में अगर आपका रिजल्ट आना होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज़ कितना डिले करेंगे ये किसी को नहीं पता है। UP SSC आयोग का इतिहास ही, कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो उसमें कितना समय लगा देते हैं ये लोग, जो काम 2-4-10 दिन का होता है उसमें 2-4-10 महीने लगा देते हैं। बाकी के रिजल्ट भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी देरी होती जा रही है हर रिजल्ट में। आपका रिजल्ट डिले होगा तो बाकी के रिजल्ट भी इसी प्रकार से डिले होते चले जाएंगे। या तो फिर कुछ ANM बहने कम से कम 100 की संख्या में UP SSC आयोग पहुँच करके एक सांकेतिक धरना दिया जाए, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सोमवार को अगर रणनीति बनाई जाए, अगर आप लोग तैयार हों तो उसको लेकर के एक रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर के हम वीडियो बनाए फिर, और जो भी लखनऊ के आसपास के ANM बहनें हैं या फिर उनके साथ में गार्जियंस हों, उनके हस्बैंड भाई पिता जो भी हों, जो भी साथ आ सकते हो, थोड़ी संख्या बढ़ रहेगी तो ठीक रहेगा। कम से कम 100, 50, 100, 150 तक संख्या बढ़ रहे, और उसके बाद जो है रिजल्ट की मांग की जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल हो चुका है। कोई भी मतलब एक कंफर्म तारीख कम से कम बता दिया गया होता तो उसी हिसाब से इंतज़ार हो जाता है कि चलिए इतना दिन वेट करना है, उसके बाद रिजल्ट आ जाना है। बट यहाँ पर कोई भी कंफर्म डेट नहीं बताई जाती है, और मुख्यमंत्री जी के 100 दिन की कार्य योजना में भर्ती शामिल होने के बावजूद ये हालत है, और अदरवाइज़ पता नहीं कितना डिले किया जाता है। सब कुछ आपने इसके पहले के रिजल्ट, रिवाइज आंसर की रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ प्रक्रिया आपने इतनी तेज़ी से करवाई, और अब जो है फाइनल रिजल्ट देने में इतना ज़्यादा समय यहाँ पे लिया जा रहा है। तो मंडे को अगर धरना देना अगर हो आप लोगों को, मैं देखिए सबके लिए आह्वान नहीं करूँगा, क्योंकि आने जाने में फिर असुविधा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर एक 100-150 की भी अगर संख्या बल हो जाती है, और अगर हम लोग अपना एक शांतिपूर्वक अगर एक धरना दे लेते हैं आयोग पर, पिकअप भवन लखनऊ आयोग पर, तो उसका सकारात्मक परिणाम जल्द देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर सिवाय उम्मीद के और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर कैंपेन भी हम लोगों ने 2 बार करके देख लिया, और अभी भी कोई भी कन्फर्म डेट आयोग की तरफ से नहीं बताई जा रही है रिजल्ट को लेकर के। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आपका रिजल्ट जल्द आ जाएगा।